हेलो ऑल, वेलकम. धर्म संकट सीरीज का फाइनल टेस्ट मैच जो है गुड आज मॉर्निंग होने जा एवरीवन। रहा है. यू जॉइन फोर अस फॉर वन दिस से टेस्ट हम मैच जो है आगे बिटवीन हैं हैवलॉक और एंड 5-0 इंडिया में विंडीज। आई पूरी थिंक तरह से जो है इंग्लिश इज डोमिनेट सिटिंग ऑन करने दैट का टीम एट द चांस साइड एंड इंग्लैंड द को हर रोज तो टेस्ट नहीं द पिच मिलता. लुकिंग इज तो आज डोमिनेट इट देखते इज हैं कि क्या करते हैं हम इस टेस्ट मैच में. और ये फाइनल टेस्ट मैच है हमारा और हमारे लिए ये सीरीज एकदम जो है कमाल की मजेदार जो है वो निकल कर गई है. और इंडिया जो है टॉस जीतने के बाद कहता है कि हम बॉलिंग करेंगे. इंग्लैंड को तो यही चाहिए था. इंग्लैंड ने गुड ध्यान डिसीजन होगा कि टू मोरलेस बाउंस जो है बैक। अभी तक जब जब टॉस जीता है तो बैटिंग ही पहले की है. और इंडिया ने जो है जब टॉस जीता तब कह दिया कि हम बॉलिंग करेंगे. तो पहले ही कैप्टनसी में जो है एक पुअर डिसीजन काइंड ऑफ अ. क्यों? क्योंकि यार इंडिया में तो बैटिंग पहले करते हो यार टॉस जीत कर. एनीवेज चलो कोई बात नहीं, हमारे ओपनर्स ने बिफोर पूरा दैट वी फायदा किल्ड द उठाया और न्यूकासल हमारी मैच बैटिंग दैट अब आ वी गई हैड। है. और ये देख रहे हो 156 सेंचुरीज, ये सारा इसी टूर पर है. पहली डिलीवरी और पहली डिलीवरी नाइस सीधी टैकल फुल फुल डिलीवरी और चौके के लिए काउंटर। भेज दी है. चौका समटाइम्स हो योर बैटिंग इज गया. वाओ, जस्ट तो टू हमारा गुड पहला ही शॉट जो एंड है यू चौके की ब्रिंग तरफ जो है जा रहा है. और मोर हम जो है इस सीरीज कॉन्फिडेंस को एंड एंड करना चाहेंगे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट के साथ. अभी तक इस सीरीज में जो है आई एम श्योर प्लेयर ऑफ द सीरीज हम ही जो है होंगे. बाय द वे, स्पिनर जो है बहुत अर्ली जो है आ गया है हमारे लिए. और आई थिंक मे स्ट्रेच बी द जो है फील्डर। लेट इन्हें समझ आया, बट हमारे अगेंस्ट स्पिनर जो है कारगर होते हैं और पर इन्हें समझ आ गया. एनीवेज, हमारी ओपनिंग स्टैंड ने जो है कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि ये पिच तो है मोरलेस जो है इतनी डिफिकल्ट नहीं है. हर्षदीप बॉल डालते हुए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बैक फुट पंच, चौके की ओर, बाउंड्री, बहुत बढ़िया शॉट. बाय द वे, हमारे ओपनर्स ने बता दिया कि ये पिच जो है डिफिकल्ट नहीं होने वाली, तो आप अपने जो है शॉट्स खेल सकते हो. लास्ट देखा था पिच कैसी थी. तौबा 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 तौबा, लास्ट पिच पे जो है जिस तरह की वो पिच की शक्ल थी ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना जो है डैमेज हो जाएगा. बट स्टिल वी डिड ग्रेट जॉब आउट देयर. तो मीनवाइल जो है एक और बैक फुट पर पंच, बॉल की जो है पेस वो अच्छी खासी चढ़ रही है. और विद पेस जो है बॉल जो है अच्छी खासी जो है बनाया जा सकता है. ओ एरर आउट, ओ ये क्या कर दिया बे. ओ नो, ये कैसे, क्यों यार, ये तो मतलब हमारा जेन्युइन पहला फेलियर हो गया इस टूर पर. लास्ट मैच में आते आते पहली इनिंग में, ओ गॉड, ये कितना पुअर डिसीजन यार. मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था, मैंने मुझे लगा मैंने अच्छे से टाइम किया यार बॉल को और बॉल बिल्कुल जो है पास में ही रह गई है और ऊपर से डायरेक्ट हिट. अरे यार, आई थिंक ये पहली बार हुआ है हम जो है इतना जो है पैथेटिक खेल कर गए हैं और 16 रन पर जो है इतनी जल्दी आउट हो गए हैं. चलो पता लगेगा अब टीम कितने पानी में हमारी. मीनवाइल बुरा नहीं खेल रही है भाई हमारे. ओए ओपनर ने 100 मार दिया भाई, हमने परफॉर्म नहीं किया फिर भी करते करते 300 पार वो कर गए हैं टोटल को. एनीवेज बॉलिंग आ गई है और इंडिया की 4 विकेटें भी जो है तब तक डाउन हो चुकी हैं 86 पर. तो हमारी टीम ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जो अभी तक तो लग रहा था कि हमारे पर ही ओवर डिपेंडेंसी हुई पड़ी है हमारी टीम की, बट ऐसा जो है कहीं ना कहीं नहीं ऐसा. तो हमारी टीम कहती है कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे. भाई मीन भाई हमारी बॉलिंग आई है, बॉलिंग में चौका खाकर जो है बैठ गए हैं, कोई बात नहीं. और लेट्स सी, 4 विकेटें जो है 100 के अंदर अंदर जो है गिर गई हैं स्कोर का. ओए फील्डर थोड़ा सा लेजी था वहां पर. तो 4 विकेटें आर पॉजिटिव बट रन रेट 4 की ऊपर की चल रही है इंडिया की आज, तो दैट्स अ गुड वन. ओए मिस 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 मिस, स्लिप्स देखो 1 2 3 4 5, पांच पांच स्लिप्स जो है वेट कर रही हैं और सारी जो है इसी बॉल के लिए वेट कर रही हैं कि किसी तरह जो है हम एज को प्रोड्यूस कर दे वहां पर. मीनवाइल जो है 110 तक पहुंच चुका है इसको. ओए ओए एज मुझे लगा जो है जाने वाला है 109, चलो 110 जो भी है, तो एज जो है लगभग जाने लगा था. वो भाई एक ही चैनल पर जो बॉल डाल रहे हैं, इकोनॉमिकली हम ठीक जा रहे हैं. और वो यार मुझे लगा ये इनसाइड एज, इनसाइड एज लगा यार, ये इनसाइड एज लगा, इनसाइड एज लगकर मुझे लगा अंदर घुसने वाली है. ये दास और राजू तो बहुत बढ़िया डाल रहे हैं. ओए जस्ट मैन अपसेट, एज लग गया बॉस, विकेट, विकेट निकल गई है एज. इसीलिए जो है इतनी स्लिप्स हमारी वेट कर रही थी इसी कारनामे के लिए. और पिच कर जो है आउटस्विंगर जो है किस तरह, वाव वाह वाह, बेन स्टोक्स ने कैच पकड़ा वहां पर और किस तरह शानदार पेस बॉलर के लिए एक परफेक्ट डिसमिसल. कौन गया है, राजू गया है. 5 विकेटें डाउन. इंडिया की जो है ट्रेल अभी भी 204 की, तो 204 की ट्रेल काफी होती है बॉस. और 5 विकेटें और आई थिंक यहां पर एक अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो रही है हमारी होम साइड की तरफ से. वो आवाज है, वो ये क्या हुआ, वो रन आउट हो गया बॉस. ये रन आउट कैसे हो गया, ओए
ये कौन था जो ऐसा भागा? भाई बैट्समैन को पता ही नहीं था कि बॉल कहाँ पर गई है कहाँ पर नहीं, और पास में जो फील्डर खड़ा था उसने आराम से जो है विकेट। अच्छा गेल था भाई, गेल एक पर ही है, इसे विकेट सी, इसे मतलब बॉल ही नहीं दिखी मुझे लगता है कहाँ गई। 6 विकेटें डाउन, और भाई फिर से अगेन पार्टनरशिप बन गई है, हमारी वापसी हुई है अब आउट। हमारी वापसी होते ही विकेट, पार्टनरशिप जो बिल्ट हो गई थी और वो हमने आते ही निकाल दी है। परफेक्ट बॉल भाई, हमारी जो भी विकेट्स निकली हैं बहुत कमाल की निकली है, और ये विकेट भी देखो सीधा बोल जो है ऑफ स्टंप का डंडा जो है वो उठा दिया है। 7 विकेट्स आर डाउन, 175, तो हमारी पहली इनिंग में जो है लीड होने ही वाली है कहीं ना कहीं। जेमी एंडरसन आए खत्म कर दिया, कितनी कितनी, 2-2 विकेट्स हमने निकाली। पदिगर जो है इनका 48 पर नट आउट रह गया, 215 पर जो है टीम गई, और हमारी जो है पहली ही बॉल पर डक निकल गई। बाय द वे 100 रन की लीड हमारे पास फिर से है, तो 100 रन की लीड के साथ शुरुआत करते हैं। पहली बॉल पर जो है विकेट निकाल कर बैठ गया इंग्लैंड, और जो ओपनिंग स्टांस पहली इनिंग में बढ़िया आया था अब नहीं है, और हमारी जो है पहली इनिंग में एक फेलियर थी, तो लेट्स सी क्या हम उसे जो है अगेन बैकफुट, इस बैकफुट पंच पे हमने बहुत रन लिए हैं बॉयज बॉस इस जो है कहीं ना कहीं मैच में। पहली इनिंग में आई थिंक 3-4 शॉट हमने यहीं पर मारे थे, यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग वैसे ही की है। सो दैट मीन्स जो है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप का चैनल जो है बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। नॉर्मली जो है ये लेग साइड पर या मिडिल पर रहते हैं, और हम जो है बट अगेन एक और पंच किया है, इस बार ध्यान रखना है बॉस। पिछली बार ऐसे ही रुक जाओ पिछली बार यही धोखा हो गया था, बैकफुट पंच मुझे लगा कि बॉल के साथ बॉल पे जो है पेस थी, बट ऐसा नहीं हुआ था। एनीवेज थोड़ी सी जो है शॉर्ट डिलीवरी, और उसको जो है पुल कर दिया है और सीधा गया है चौके की ओर, और पहली विकेट गिरने के बाद जो है आई एम श्योर इंग्लैंड शुड बी अंडर प्रेशर, बट अगेन 100 रन की लीड, दैट इज एन एडिशनल बूस्ट फॉर अस कहीं ना कहीं, और लेट्स सी कि हमारी जो है सो फार सीरीज बहुत बढ़िया गई है, इस मैच में हम क्या करते हैं। मीनवाइल 13 रन पर पहुंच गए हैं, लेग साइड पर बॉल, लेग साइड पर कोई फील्डर नहीं खड़ा, और इसका पूरा एडवांटेज हमने थ्रू आउट द सीरीज उठाया है। आई डोंट नो इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है कि लेग साइड खाली रखो फिर बॉल ऑफ साइड पर डालो, यार अगर बॉल तुम्हारी ऑफ साइड जो है पैक है, ये जो है ये एक मसला रहा है। अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉर्ट पिच का अटैक हमारे ऊपर काफ़ी निकला, बाय द वे टाइमिंग अच्छे से नहीं हुई है सरप्राइजिंगली, मे बी हम लेट हो गए हैं, बट स्टिल जो है क्योंकि वहाँ पर कोई फिल्टर ही नहीं है तो चौके के लिए तो ये चला ही जाएगा। शॉर्ट पिच डिलीवरी, हालांकि टाइमिंग पूरी तरह से नहीं थी, तो क्या मतलब पिच स्लो हो रही है, मैं मे बी जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट डिलीवरी, ये हमने जो है कड़ाकेदार जो है टाइमिंग के साथ छक्का, छक्के के साथ लास्ट डिलीवरी में, वही बात है ना, वो अचानक से आई थी, मुझे लगता है इसलिए हम तैयार नहीं थे उसके लिए। यहाँ पर अब हम तैयारियाँ कर चुके हैं शॉर्ट पिच के लिए, तो उस वजह से। मीनवाइल जो है फुल डिलीवरी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप पे जो है ड्राइव मारा है और 2 रन जो है लेकर संतुष्टि, करते करते 37 रन जो है हमारे बन गए, और गेस व्हाट, 2 बच गया, गेस व्हाट, 37 रन हमारे हैं और टीम के भी 37 ही हैं। वो लूज शॉट, ये गलत शॉट लग गया भाई, ये यहाँ मैं नहीं इंटेंशनली मारना चाहता था, मैं लेग साइड पर मारना चाहता था, बट वही मुझे लगता है टाइमिंग सही नहीं थी, तो उस वजह से बैट जो है जल्दी आ गया, बट स्टिल जो है बच गए, फिल्टर की ऊपर से निकल गया, लेग साइड ऑलमोस्ट खाली पड़ी है, सो ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कप्तान साहब को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओ गुड डिलीवरी, लीव कर दिया है, 47 रन में से 45 हमारे हैं, और अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल कर जो है चौके की तरफ बॉल जाती हुई, वहां पर फिल्टर कोई नहीं है, थर्ड मैन एरिया वाला जो है फिल्टर भागता हुआ और पकड़ नहीं पाएगा। 50 रन की पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो गई है, अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉर्ट पिच डिलीवरीज आर हमारे लिए बोनस है, क्योंकि हम जो है बहुत बढ़िया शॉर्ट पिच डिलीवरीज को खेलते हैं। मीनवाइल 50 रन हमारे पूरे, और इस बार हमारी स्ट्राइक रेट माशा वाह वाह वाओ वाह 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 वल्ला वल्ला हो गई है भाई, हमारी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया जो है निकली है, और बहुत बढ़िया। एनीवेज अब जो है हमारा जो है 65 की जो है, और एक चीज़ आसान है इसमें कि जो भी हमारा टोटल बनेगा उसे जो है सिंगल सिंगल जो है +1 मतलब +100 जो है करते रहो, हमारी लीड वैसी हो जाएगी, क्योंकि 100 रन की लीड से हमने शुरुआत की थी और वहीं से हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट हमने जो है उसके ऊपर जो है शेरों की तरह टूट पड़े हैं। नेक्स्ट डिलीवरी, अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, अगेन पोल्ड इट, और ये जो है बहुत बढ़िया छक्का जो है बना है, वाओ
तो भाई साहब ये नहीं सुधरेंगे वाला कारनामा। फुल डिलीवरी चौके के लिए बॉल जाती हुई, पूरा जो है बैट का फेस दिखाते हुए, टाइमिंग जो है पूरी तरह से लगाते हुए चौके की तरफ जो है जाते हुए और एम्पायर अपना हाथ हिलाते हुए। मीन भाई ओए ओ यार, ये होता है टाइमिंग अगर जो है आपकी थोड़ी सी गलत हो जाए। ओ ओए लगी भाई लगी 80s में आकर यार ऐसी मिस्टेक्स। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ज़्यादा शॉट, मुझे लगा आप सुधर जाएंगे, बट चलो कोई बात नहीं। थर्ड मैन की तरफ जो है बॉल जो आती सिंगल जो है, और डबल को हमने उसे जो है डबल में कन्वर्ट कर लिया। गुड, नॉट अ बैड वन। 87 देखते ही डर लगने लग गया था, बट मीनवाइल करते करते 100 रन पार हो गए हैं। ओए स्पिनर जो है आ गया है, स्पिनर जो है ऑब्वियसली रन पर थोड़ा सा जो है आराम तो लगाएगा ही। ओए वाओ, लुक एट दैट डिलीवरी बॉस। पिच में बाउंस है इसलिए वजह से बच गया, अगर बाउंस ना होता ये विकेट जो है उड़ा देती सीधा। नेक्स्ट, वो वाओ भाई, वन ऑफ मतलब फ्यू ऑफ द बेस्ट बॉल्स है यहाँ पर। ओए भाग लो भाई, सिंगल ले लो। तो भाई डिफेंस करने गया था, तो क्या बढ़िया बॉलिंग है यार, कमाल कर दिया। फुल डिलीवरी डिफेंसिव शॉट, 94 पर हम बैटिंग कर रहे हैं और हमारे वो स्पिन बाउंस, क्या बात है भाई, स्पिनर खतरनाक है भाई इनका। सीधा सीधा जो है शॉट खेला है और जो है दो फील्डर्स के बीच में से निकलती हुई चौके की तरफ जो है बॉल। हम हैं 99 पर, वो 99 पर, फिर से 99 पर बॉल जो है। नेक्स्ट डिलीवरी, आए सीधा जो है खेल दिया है, सिंगल ले लिया जाएगा, 100 रन कंप्लीट, 100 रन, बहुत ही आतिशबाजी स्ट्राइक रेट के साथ, कमाल कर दिया बॉस। और मीनवाइल दूसरी विकेट भी मैं देख रहा हूँ हमारी गिर चुकी है और हमारे साथ किलगोरे जो है वो आउट आउट नहीं हुई, अपील भी नहीं हुई या इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बाउंस की वजह से बैट नहीं लगा होगा, बच गया। मीनवाइल अर्शदीप द कैप्टन हैव कम, बैकफुट पर पंच और चौके की तरफ जो है बॉल जाती हुई, चौका कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया शॉट, हमारे कुछ ट्रेडमार्क शॉट्स हैं हमारे जो हैं कुछ पसंदीदा शॉट्स। वाओ, पूरा एडवांटेज उठाया बॉस अग्रेसिव होने का, और अग्रेसिव के चक्कर में ये छक्के की तरफ। टाइमिंग बहुत बेहतर थी इस शॉट में, क्योंकि जो है बॉल की लेंथ वहीं पर, और फिर से भाई साहब ये स्पेशल जो है एरिया मैंने जो है मारना शुरू किया है, और बॉल की पेस को ही जो है एडवांटेज के तौर पर यूज़ किया गया है। देखो बॉल जो है वहाँ पर फिल्टर खड़ा है थर्ड मैन एरिया की तरफ, बट बॉल की पेस को ही मैंने जो है यूज़ कर दिया। स्पिनर इज बैक इनटू द अटैक। वो यहाँ पर डिफेंसिव खेलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बट साथ के साथ स्ट्राइक रोटेट करना भी, तो सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्पिनर को खेलने का बेस्ट तरीका। वो गुड डिलीवरी, अर्शदीप जो है एक दूसरे एंड से जो है बॉल डालते हुए और बाहर बॉल आई और उसे जो है फायदा उठाया। वाओ भाई, इतनी बढ़िया टाइमिंग, मैंने तो सिंगल के लिए ड्राइव किया था, बट एनीवेज फुल डिलीवरी, एज एज लेकर जो है आई थिंक सिंगल जो है ले लिया है, डबल लेने का रिस्क। वो फंस गए, वो बच गए, बच गए बॉस। पहली इनिंग में भी रन आउट हुए थे, अब मुझे लगता है क्योंकि रन हमारे 100 रन हो चुके हैं, 150 के पास आ चुके हैं, तो हम थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी ले रहे हैं थ्रू आउट। आज जो है हमारा वैगन भी लगे देखो तो सब जगह है। शॉर्ट पिच अगेन, और शॉर्ट पिच का पूरी तरह से फायदा उठाते, हवा में गेंद चौके की तरफ, और ये चौका जो है गैप में था, और मुझे दिख रहा है कि एक प्लान है हमारे अगेंस्ट, और उस प्लान को जो है अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी फिर से ऊपर से उठा के। मीनवाइल हमारे 150 रन कंप्लीट हो चुके हैं और हम जो है शॉर्ट पिच का जो है पूरी तरह से जो है डिफेंस करते हुए, शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच, सिंगल लेने को रिस्क लेना कहते हैं, बट वो रिस्क ही क्या जो ना लिया जाए क्रिकेट में, क्योंकि रिस्क के बाद रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि ओवर थ्रो हो गया है। हुआ क्या था यहाँ पर, हमने जो है इसे शॉट मारा, फील्डर ने क्या क्लासिक फील्डिंग की, मुझे लगा था कि ये बीच में हम फंस गए, बट बैट्समैन टच एंड गो हो सकता था, बट वो जो है ओवर थ्रो होकर चौके की तरफ चला गया, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया। और हम 196 पर पहुंच गए हैं, यॉर्कर लेंथ, बॉल जो आती हुई थर्ड मैन वाली साइड, बट सिंगल ही मिलेगा, दूसरा रन लेने की रिस्क, वो टच एंड गो भाई, अपील नहीं हुई, बच गए। तो 198 पर स्कोर, बैकफुट पर पांच, और इसी प्रकार हमारी 200 आने को तैयार, बिकॉज वी आर सुपरस्टार। और भाई 200 रन,
पहली इनिंग के फेलियर को पूरी तरह से हमें फायदा उठाते हुए 200 रन कंप्लीट करते हुए कमाल। और शॉर्ट पिचेस जो है, शॉर्ट पिचों का जो है बार बार वो एज कीपर के सर के ऊपर से चौका, शॉर्ट पिचेस डालकर जो हमें तंग किया जा रहा है और ये स्ट्रेटजी के तौर पर जो है अपनाई जा रही है। एनीवेज वो क्लोज, आई थिंक आउटसाइड द लेग स्टंप, अपील तो हुई भी नहीं। तो 250 का स्कोर जो है, टीम जो है इंग्लैंड का जो है हो चुका है। और अब मैकडॉवेल आए हैं अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉर्ट पे शॉर्ट, अब फुल। वाओ, ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी, शॉर्ट पिच डालकर जो है उन्होंने डराना शुरू किया और कंसिस्टेंटली शॉर्ट पिच जो है डाली जा रही है। और फिर अचानक से फुल डाल दो, और जब फुल डालो तो सीधा पटाखा मारो। अर्शदीप को चौके की तरफ जो है भेज दिया गया है फील्डर के सर के ऊपर से। अब मैं भी जो है थोड़ा सा लापरवाही से खेल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ऑलरेडी 200 रन पार हो चुके हैं। अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, वो दे आर सरप्राइजिंग मी विद सम। और जब सरप्राइजिंग बॉल आती है तो आप यू टेंड टू जो है उस ट्रैक में फंस सकते हो कभी ना कभी। मीनवाइल अब जो है मैं और अग्रेसिव ही जा रहा हूँ, ऑल बिकॉज क्योंकि हमारे जो है ऑलरेडी रन बहुत हैं। 100 रन जो है इस स्कोर में ऐड कर लो, वाह वाइड बॉल, इस रन में जो है 100 रन ऐड कर लो, वो हमारी लीड है शॉर्ट पिच डिलीवरीज का जो है पूरी तरह से जो है हमारे पर एडवांटेज उठा रहे हैं। बट हम जो है पीछे नहीं हट रहे हैं, और ये है वो सबूत। शॉर्ट पिच डिलीवरी में उठाकर मारा है, वन बाउंस, यहाँ पर फील्डर अगर होता तो कैच कर सकता था, हालांकि तीन फील्डर्स वेट कर रहे हैं। अगेन फुल डिलीवरी, वाओ, वो लकी लकी एस्केप, ओए नॉन स्ट्राइकर एंड पे किया हुआ ये हैरी ब्रुक को, भाई हैरी ब्रुक तो रन आउट करवा गया अपने आप को जबरदस्ती, वो भी ये तो जबरदस्ती रन आउट है। मुझे लगा उस वापस जो है घूमने को, मतलब वापस मुड़ने को उसने इतना टाइम लगा दिया। वाओ यार, ये क्या था यार, हैरी ब्रुक, आई थिंक हैरी ब्रुक का मूड नहीं कर रहा था कि हमारे पास जो है 350 के ऊपर की जो है लीड हो गई है, तो क्या फ़ायदा खेलने का, यही हिसाब किताब लग रहा है मुझे तो। एनीवेज अब जो है स्पिनर आ गए हैं, और हमारा वही फंडा, स्पिनर को जो है डिफेंसिव अगर खेलो, नहीं तो जो है सिंगल लेकर दूसरे एंड पर चले जाओ। और अब जो है फास्ट बॉलर्स का क्या, बैकवर्ड पर पंच चौके की ओर, टीम का स्कोर जो है 300 के अप्रोच करते हुए, 300 का स्कोर अप्रोच करते हुए, दैट मींस हमारी लीड 400 को अप्रोच करते हुए। तो आई थिंक हमने मोर लेस, वाओ अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, अगर आई थिंक मुझे लगता है हमने अच्छा खासा जो है स्कोर अब खड़ा कर लिया है। ये मैच पॉसिबली हम हारने तो नहीं वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, और पॉसिबली जो है 5-0 इज पॉसिबल हेयर, जो हम करने के लिए मतलब सोच भी नहीं सकते थे। मीनवाइल 250 रन कंप्लीट हो गए हैं, हम जो है नहीं रुक रहे हैं और रुकना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि ये हमारा लास्ट टेस्ट मैच है इस इंडिया के टूर का, धर्म संकट सीरीज का, आई थिंक इससे ज़्यादा, अगेन शॉर्ट पिच डिलीवरी, आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर, बेटर, बेस्ट जो है डेब्यू कभी नहीं हुई होगी, इससे ज़्यादा बढ़िया डेब्यू हम सोच नहीं सकते थे। और आई थिंक इतिहास में ये वन ऑफ दी या दी सबसे बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है चीज़ है, टीम की तरफ से भी, इंग्लैंड की टीम जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल के तौर पर कैरियर मोड में, उसके लिए भी और हमारी एज ए इंडिविजुअल के लिए भी। स्पिनर्स जो है बॉल डालते हुए बैकवुड पर जो है जाकर पीछे जो है तरफ को जो है बॉल को डाइवर्ट कर दिया है और बहुत बढ़िया चौका ले लिया है। स्पिनर इज बॉलिंग, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगेन वही लेंथ, और ये लेंथ जो है लेग साइड पर जा रही है, और उसका फ़ायदा हमने उठाया दोबारा से चौके की तरफ जो है बॉल को भेज कर। नेगेटिव लाइन पर आ चुके हैं बॉस, बढ़िया ध्यान रखना है कि नेगेटिव लाइन में भी जो है हम अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया टाइमिंग, बट फील्डर ने जो है वहां पर पकड़ लिया है बाउंड्री पर, तो हमें 2 रन जो है फटाफट मिल जाएंगे। 324 का मतलब हम 424 की लीड पर बैठे हैं, और स्पिनर्स को जो है अब हम जो है थोड़ी सी ज़्यादा ईजिली खेल रहे हैं, सिंगल लेकर डबल लेकर या चौका मारकर जो है इन्हें भी खेला जा रहा है। राजू एन राजू है एज अ स्पिनर, लेफ्ट आर्मर स्पिनर है। बाय द वे बॉलिंग फिगर्स देखो, 10 ओवरों में 26 समथिंग, सो दैट्स अ गुड वन। और हमारे साथ जो है बैरिस्ट्रो आ गए हैं बैटिंग करने, वहाँ पर वो वाह वाइड बॉल है यार, शॉर्ट पिच डिलीवरी पे शॉर्ट पिच, ये जो है एक प्लान जो है डेफिनेटली रहा है कि शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है इस बार जो है डाली जाए। बट एनी वेज चौके की तरफ बहुत शानदार शॉट, और हम जो है बाय द वे 300 को अप्रोच कर रहे हैं, 296, देख सकते हो सब जगह रन बनाए हैं, 296 इस चौके के साथ इतिहास, इस चौके के साथ इतिहास पर विश्वास, हमारी डेब्यू पर कमाल, 300 रन और शानदार मजेदार कमाल।
300 रन बॉस, हमारा पहला हाईएस्ट स्कोर आई थिंक हमारे मोहल्ले के क्रिकेट में भी हमने 300 नहीं मारा है, बट इंटरनेशनल सर्किट में डेब्यू करते ही पहली सीरीज में 300 रन मारना एक इतिहास है। मीनवाइल स्पिनर इज ऑन, 316 इज ऑन द बोर्ड, सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड डेक्लरेशन पॉसिबल है क्या? मे बी नॉट, क्योंकि हमारा स्कोर आउट। मीनवाइल हमारी लीड है 488 जब हम छोड़कर जा रहे हैं, और अब हमारी विकेट फाइनली गिर गई है, स्पिनर की अगेंस्ट ही गिरी है, एज लगा है कीपर के पास, नो पॉइंट इन रिव्यूइंग इट, और वेल प्लेड इनिंग, एज लिया, और आई थिंक ये थकावट का शॉट, थकावट से दिख रहा है, बट हम 317 रन मार कर गए हैं, हमारा हाईएस्ट स्कोर सो फार इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। लेट्स सी इंग्लैंड की लीड कितनी होती है। वाओ, और 3 विकेटें डाउन भी, लीड कितनी भाई, 501 की लीड है, 501 वो भी 51 रन मारने के बाद, तो 500 रन अभी भी मारने हैं, तो इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया ही नहीं। एज, पहली डिलीवरी, ओ वाओ, एज लेगर जो है आउट, हम आते ही विकेट जो है ले गए हैं, वाओ कमाल जो है, हमारी आते ही विकेट, और हमारी विकेट जो है मजेदार विकेट भाई, सेंसेशनल कैच किया था स्लिप फील्डर ने, जुरेल गया, और 51/4 जो है टीम का टोटल मुझे दिख रहा है, और अगेन प्लेड एंड डिफेंस, और नेक्स्ट डिलीवरी, फुल डिलीवरी, या वाज आई थिंक इनसाइड एज लगा ये, मीनवाइल जो है स्किप कर दिया है, और क्या हुआ है, ओए 7 विकेटें डाउन हो चुकी हैं, नेक्स्ट जो है हम वापसी कर रहे हैं, और क्या हो रहा है बॉस, आई थिंक यहाँ पर इससे ज़्यादा जो है अब खेलने लायक कुछ है भी नहीं, हम जो है ऑलमोस्ट वी हैव डन इट, ऑलमोस्ट वी हैव डन इट शुड आई से, आउट हो गया क्या ये, ओह वाओ, ये कैसे, फिर से रन आउट, गेल ही लाए, ओ गेल है, ओ फिर से गेल है ये, ओह माय गॉड, ये कैसे आउट हुआ भाई, ये क्या ताता थैया धक्का दैया कर रहा था, ओए बाहर है वो भाई, बाहर है, आउट हो गया भाई, गेल फिर से रन आउट हो गया, इस बार भी रन आउट हो गया, पहली इनिंग में भी रन आउट था, इस बार 68 पर सेटल्ड खेल रहा था, गेल का और रन आउट का कोई कनेक्शन है भाई। मीनवाइल 210 पर 8 जो है स्कोर बताता है कि टीम इंडिया जो है बढ़िया खेल रही है, 9 विकेटें डाउन 241 पर, और हमसे तो जो है विकेट नहीं गिर रही है बॉस, हम अपने 15वें ओवर पर आ गए हैं, पहली बॉल पर जो विकेट निकाली थी उसके बाद हमें तो कोई विकेट नहीं मिली है, बट हमारी टीम जो है प्लेयर्स जो है विकेट्स निकालते जा रहे हैं, और विकेट जो है क्या निकाल रहे हैं, 263 पर ऑल आउट हो गया है इंग्लैंड, विक्ट्री 289 रन से, और सीरीज 5-0 से, नो सरप्राइजेस इन गेसिंग कि सीरीज का मैन ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगा, कौन होगा मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, वी हैव बीन सेंसेशनल, इससे ज्यादा डेब्यू बढ़िया, इससे ज्यादा प्रॉमिसिंग डेब्यू कोई नहीं हो सकती, वाओ व्हाट अ सीन, ओए होए भाई ट्रॉफी इतनी बड़ी है, बेन स्टोक्स का मुंह छुप गया पीछे, वाओ इतनी बड़ी, पूरा का पूरा बोर्ड दे दिया गया, वो नहीं होता जो बोर्ड लगा होता है जिसमें ना, ये मुझे लगता है पूरा का पूरा बोर्ड ही जो है दे दिया है। मीनवाइल प्लेयर ऑफ द मैच हम है, 289 रन से जीत गई है, और 263 इंडिया जो है ऑल आउट, और गेस व्हाट, अभी जो है वन डे इंटरनेशनल शुरू होने वाले हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे, सेंसेशनल स्टार्ट टू आवर कैरियर, नेक्स्ट सीरीज जो है वो होने वाली है इंडिया के साथ ओडीआई, तो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं सून।